आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक भवन के भीतर किसी को भी मत आने देना। जो आज्ञा माता जी, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा। जय माता की। सावधान, आज ही अपना भला चाहते हैं, एक पग भी आगे मत बढ़ना। यह मेरा मार अवरुद्ध करने वाला बालक ऐसे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मैं कौन? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं देवों का देव महादेव। आप देव हो या परम देव या फिर देवों के देव महादेव, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको किसी भी स्थिति में अंदर जाने नहीं दे सकता। क्यों? यह मेरी माता की आज्ञा है। तुम अपना और अपनी माता का नाम बताओ। जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, जो मेरी माता को नहीं जानता मैं उसे भी नहीं मानता। तुम एक अशिष्ट बालक हो। अपनी माता की आज्ञा का पालन करना क्या अशिष्टता होती है? अखंड ब्रह्मा की देवी हिमालय पिता माँ पार्वती मेरी माँ है। मैं उनका पुत्र गणपति गणेश हूँ। गौरी पुत्र, तो अपने आप को गौरी पुत्र क्यों बता रहे हो? जाओ अपनी माता से कह दो कि बाहर महादेव खड़े हैं, तब तक मैं यही खड़ा हूँ। हे जगतारी महादेव, आप ध्यानी ज्ञानी एवं बुद्धिमान हैं, परंतु बुद्धिहीन मैं भी नहीं हूँ। मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने डटने के लिए कहा है, ना कि हटने के लिए। यह किससे बाला पड़ गया है? तू बालक है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? सोच क्या रहे हो? प्रहार करो। पुत्र गणेश, हे प्रभु, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया? क्या अपराध था इस बालक का जो आपने यह पाप कर दिया? उत्तर दो प्रभु, मुझे उत्तर दो। माता की आज्ञा करना क्या अशिष्टता होती है? आपका मन इस सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। मैं महाप्रलय मचा दूंगी। क्षमा करें देवी, वरना सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षमा करें माँ माया। आप इस बालक को पुनः जीवित करिए। श्रापित ऐरावत का मस्तिष्क गणेश जी को लगाकर वो भी अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसे जीवित भी कर दिया और ये वरदान भी लेता हूँ कि प्रथम पूज्य गणेश के रूप में संसार का समस्त प्राणी सर्वप्रथम तुम्हारी ही वंदना करेगा। गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि।
सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से छुपा है मोरिया उसमें जय हो तो दिख जय हो तेरी तरह मोरिया लाख कोई देहुंकारे लाख कोई ठुंकारे